हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन सभी बच्चों का स्वागत है और हमारी क्लास ट्वेल्थ की क्लास का चैप्टर है चैप्टर नंबर कंटिन्यूटी एंड की एक्सरसाइज कौन सी कर रहे थे बेटा हम टीव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट फाइव के यहाँ पे हम कुछ डाउट्स लेके आपके सामने हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन दिया गया है एक्स इन टू वाई इक्वल टू ई टू दावर एक्स माइनस वाई तो सबसे पहले इसमें राइट साइड में फंक्शन right की पावर फंक्शन या कांस्टेंट की पावर फंक्शन की स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको मैंने बताया था कि आपको कैसे करना है लॉग लेकर के और लेफ्ट साइड में दो फंक्शन मल्टीप्लाई भी हैं तो लॉग लेने की परिस्थितियां यहां पे एकदम सही है और इस क्वेश्चन को हम लॉग लेके बहुत अच्छे से कर सकते हैं सो so, हम क्या लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग का बेस ई नेचुरली होता ही है और यहाँ पे ई e की पावर एक्स माइनस वाई सो ये आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है लॉग ए इं टू बी इक्वल्स टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी सो दिस विल बिकम लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग ऑफ बेस ई पर इंडेक्स ई e. इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा बोलो याद है आपको इसकी वैल्यू कितनी होती है बोली सर ई नहीं होती बेटा इसकी वैल्यू वन होती है लॉग ऑफ ई बेस पर ई e की वैल्यू वन होती है या लॉग ऑफ ए बेस पर ए की वैल्यू वन होती है ओके So, yes sir. log of x plus log of y equal to x minus y अब चलिए देखिए अब आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ y है y अकेले नहीं लिख सकते हो मतलब इस फंक्शन को वाईक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं मतलब ये इम्प्लीसिट फंक्शन है तो क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई अब वन बाई वन हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता जाएगा वन अपॉन एक्स और ये डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बन जाएगा लॉग वाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि वन बन जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई जो कि डी बाई डी एक्स कहलाएगा क्लियर है बेटा ओके yes, okay. अब देखिए कैसे करते हैं इसको वन अपॉन एक्स तो ठीक है अब ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई है तो वही कंडीशन अप्लाई लगेगी इसमें कंपोजिट फंक्शन की आ, क्या हो जाएगा टिंग टोंग डी बाई डी वाई क्योंकि एक्स का फंक्शन डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाएगा वाई को सो लॉग ऑफ वाई और हिसाब बराबर करने के लिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड uh, ये पूरा हो गया लॉग वाई वाला काम इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स सो वन अपॉन एक्स प्लस डी बाई डी वाई लॉग वाई का वन अपॉन वाई एंड हियर इट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स नाउ डी वाई बाई डी एक्स की दो पार्टी हैं एक ये है एक ये है इनको साथ ले लीजिए तो वन अपॉन वाई डी बाई डी एक्स प्लस डी ये लेफ्ट से राइट में आ जाएगा तो प्लस डी टू वन, वन बाई एक्स क्लियर है बेटा yes, सो डी dx कॉमन सो वन अपन वाई प्लस वन इक्वल्स टू वन माइनस वन बाई एक्स ओके Now, yes, sir. d by dx LCM length is ka. so 1 plus y upon y equals to uh, x minus 1 by x x minus 1 by x so d by dx equals to x minus 1 by x whole divided by 1 plus y divided by y so x minus 1 into y. अपॉन वन प्लस वाई इंटू एक्स ये आंसर आएगा इसका बेटा एक्स माइनस वन इंटू वाई अपॉन वाई प्लस वन इंटू एक्स जो कि यहां पे हमको आ भी रहा है दिखाई दे रहा है क्लियर है बेटा यस सर तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है एनी प्रॉब्लम नो सर ठीक है नोट कर लीजिए बेटा इसको Yes, okay. देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है डाउट हमारा क्वेश्चन नंबर का कहा जा रहा है इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स शो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ यू इन टू वी इंटू इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स वी डॉट डब्ल्यू प्लस यू डॉट डी वी बाई डी एक्स डॉट डब्लू प्लस यू डॉट वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इसको किस मेथड से शो करना है दो मेथड से करना है इनको एक कह रहे हैं बाई रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल और सेकेंड बाई लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन तो हमको पहले दो मेथड से करना है तो सबसे पहले हम इसमें मेथड फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं बाई रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल ठीक है ना मतलब इसमें हम क्या लगाएंगे इसमें हम प्रोडक्ट रूट कर रिपीटेड एप्लीकेशन लगाएंगे चलिए तो कैसे करेंगे देखिए हमारे पास क्या है फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ यू इन वी डब्ल्यू ठीक है यू वी डब्ल्यू तीनों क्या है एक्स के फंक्शन है तो हम एक काम करते हैं फर्स्ट इसको ले लेते हैं और इन दोनों पार्टी को सेकेंड ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन पहला फंक्शन आता है एज इट इज दूसरा बाहर बैठे रहता है तो कैसे लिखेंगे इसको हम फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन वी इंटू डब्लू प्लस w डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सो सिंपल नाउ अगेन यू अब फिर से दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस वी इंटू डब्ल्यू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स क्लियर है बेटा नो यू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस यू का मल्टीप्लाई डब्ल्यू के साथ सो यू इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस व्ही इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स हैं ये पहला हो गया क्लियर फर्स्ट डेरिवेशन बाई मेथड वन हमारा क्लियर हो चुका है यही हमको प्रूफ करना था डन बेटा आ गया समझ में ना yes, अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं मेथड नंबर सेकेंड सेकेंड मेथड देखिए तो जो सेकेंड मेथड है वो लॉग लेकर के तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है फंक्शन हमारे पास करना है मल्टीप्लाई y इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू मतलब तीन फंक्शन का मल्टीप्लाई है मेरे पास में सो आई कैन हियर लेट वाईक्स टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू तीन फंक्शन हमारे पास में है सो so, हम क्या करेंगे लॉग ले लेंगे लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस में चला जाएगा लॉग यू प्लस लॉग फी प्लस लॉग ऑफ w और यहाँ पे है लॉग ऑफ वाई ना अब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग डब्ल्यू ये हो जाएगा लॉग ऑफ डब्ल्यू ठीक है ना इस तरीके से हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है सो so, कैसे हो गए डिफ्रेंशिएशन अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अगर आपको ना समझ में आए फिर मेरे को बताइएगा ये हो जाएगा वन अपॉन वाई क्योंकि डी वाई लेंगे और ऊपर बनेगा डी वी बाई डी एक्स बोलो क्लियर हुआ बेटा yes, और ये बन जाएगा वन अपॉन यू एंड दिस विल बी डी यू बाई डी एक्स ये बन जाएगा वन अपॉन वी दिस विल बिकम डी वी बाई डी एक्स एंड दिस विल बिकम वन अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ओके okay, अब हमें क्या चाहिए था डी बाय बाई डी एक्स चाहिए था तो हम डी बाय बाई डी एक्स को सेपरेट कर लेंगे यहाँ से वाई की वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन डब्लू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स अब हम जानते हैं जो हमारे पास फंक्शन है वाई इक्वल्स टू कितना है यू इन टू वी इन टू डब्ल्यू तो यदि मैं वाई की वैल्यू यू इन टू वी इन टू डब्लू को रख दूँ सो क्या बन जाएगा ये मेरे पास डी वा बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई की वैल्यू पुट करने के बाद ये बन जाएगा यू इन टू वी इन टू डब्लू ओके यू इन टू वी इन टू डब्ल्यू और ये वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स नौ यू वी डब्ल्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जैसे ही फर्स्ट टर्म में यू वी डब्ल्यू मल्टीप्लाई होगा तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा फर्स्ट टर्म हमारे पास वी इन टू डब्लू डी यू बाई डी एक्स आगे चल के जब यू वी डब्लू मल्टीप्लाई होगा तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा यू इन टू डब्लू डी वी बाई डी एक्स एट लास्ट डब्लू कैंसिल हो जाएगा तो यू इन टू वी डी डब्लू बाई डी एक्स सो दिस इज़ ऑल डी बाई डी ये आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन रूल के जैसे आंसर आ चुका है आपका सेम आंसर ऊपर आ रहा है सेम आंसर नीचे आ रहा है देख लीजिए जो आंसर आपका ऊपर बन रहा है वही आंसर आपका नीचे बन रहा है भले ही आपने अलग अलग मेथड से की है बट आपका आंसर सेम आ रहा है क्लियर बेटा यस यस एनी प्रॉब्लम नो सर चलिए ओके तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है बताइए अगला क्वेश्चन कौन सा बताऊँ आपको चलिए देखिए बच्चों अगली मेथड आपको बताता हूँ मैं अगली मेथड का नाम है इस मेथड का नाम लिख सकते हैं आप कॉर्नर मेथड, कॉर्नर मेथड, ठीक है? इसका नाम मैंने कॉर्नर मेथड इसलिए लिया है क्योंकि जो भी आप इसमें प्रोसेस करेंगे वो आप कॉर्नर में ले जाके करेंगे मतलब फंक्शन को आप कॉर्नर में ले जाएंगे तो इसका फॉर्मेट क्या है इसका फॉर्मेट ये है कि बेटा आपको पता है कि जब कोई फंक्शन एफ वन एक्स की पावर जी वन एक्स था तो आप लॉग ले लेते ले थे बट यदि किसी के साथ मल्टीप्लाई है एफ टू एक्स की पावर जी टू एक्स तो आप लॉग नहीं ले सकते हैं जैसे ये कोई फंक्शन है तो आप इसमें लॉग नहीं ले सकते हैं क्यों क्योंकि लॉग जो है प्लस में कोई फार्मूला नहीं देता है लॉग प्लस में कोई फार्मूला आपको नहीं प्रोवाइड करता है तो अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसको तो आप प्लस में ब्रेक कर लेते हैं बट यदि आपके पास में प्लस में दिया है तो आप कोई फार्मूला आगे नहीं बना सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जिसमें एक फंक्शन की पावर दूसरी फंक्शन हो और एडिशन में हो तो आपको इसके लिए यूज़ करना पड़ता है यू वी मैथड का इस मेथड का नाम मैंने यू वी मैथड कहा है या कॉर्नर मैथड कह लो ठीक है ना चलिए तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है बेटा जो अलग अलग फंक्शन होते हैं जो प्लस में होते हैं पहले का नाम यू दे दो दूसरे का नाम वी दे दो तो फंक्शन की स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी y इक्वल टू यू प्लस वी अब इसके बाद आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा सो डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स ये ऐसे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी वी बाई डी एक्स इस तरीके से ये फंक्शन बन जाएगा अब आपको कुछ भी करके डी यू बाई डी एक्स निकालना है और डी वी बाई डी एक्स निकालना है और आपको इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करना है ठीक है ना तो डी यू बाई डी एक्स कैसे निकालोगे इस यू की मदद से और डी व्यू बाई डी एक्स कैसे निकालोगे इस v की मदद से ठीक है ना तो यू और v की मदद लेनी है आपको और यू और v की मदद से आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है क्लियर बेटा यस सर चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन से जो आपने हमसे क्वेश्चन पूछा है उसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को करते हैं चलिए जो आपने हमसे क्वेश्चन दिया है उसको हम करते हैं इसी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट की मदद से तो आपका क्वेश्चन पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स वन चलिए तो हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल्स टू वन तो हमें दिख रहा है कि जो क्वेश्चन है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल्स टू वन है पहले टर्म में भी फंक्शन की पावर फंक्शन है दूसरे टर्म में भी फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम क्या लेंगे बेटा फर्स्ट टर्म को हम u सपोज कर लेते हैं और सेकेंड टर्म को हम v सपोज कर लेते हैं ठीक है तो इसे हम u ले, ले लेते हैं इसे हम v ले, ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा अपने पास इक्वेशन u प्लस वी इक्वल्स टू वन और यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट x की पावर y इक्वल टू यू एंड वाई टू पावर एक्स इक्वल्स टू वन ये हो जाएगा अब क्या करना है अब इसको डिफरेंशिएट कर दो अच्छा हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है मतलब हमें अल्टीमेटली डी बाई डी एक्स चाहिए है कि इस क्वेश्चन से हमको सॉल्व करके डी बाई डी एक्स की वैल्यू बतानी है बोलो क्लियर बेटा yes, तो एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन वाई एक्स की पावर वाई की वैल्यू यू ले ली और वाई की पावर एक्स की वैल्यू वी ले ली तो इक्वेशन बन गई यू प्लस वी इक्वल टू वन अब डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा जीरो और ये ले लीजिए इक्वेशन नंबर वन आपको इसी क्वेशन में डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है अब चाहे आप जहाँ से लेके आओ डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू वो आपकी टेंशन है आइए कैसे करते हैं देखिए तो हमारे पास सबसे पहले x की पावर y इक्वल टू यू है तो मैं लिखता हूँ u इक्वल टू एक्स टू दी पावर y। अब इसका यूज़ करके हम du यू बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये तो अब अकेला है पहले प्लस में था तो अकेला कर लिया तो लॉग ले लीजिए सो लॉग ऑफ यू इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू पावर वाई अब दोनों तरफ का लॉग ले लिया आपने तो आपको पता है क्या हो जाएगा लॉग ऑफ log एक्स क्योंकि बेस ई है तो वाई आगे आ गया, गया. बोलो क्लियर की नॉट क्लियर नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स लॉग यू इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई log लॉग एक्स अब चलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ये क्या होगा इसे हम कह सकते हैं सबसे पहले डी बाई डी यू लॉग यू और ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स अब इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट होगा सो चलिए सॉल्व करते हैं लॉग यू का डिफरेंशिएशन वन अपॉन यू और डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स और लॉग एक्स और डी वा बाई डी एक्स बिल्कुल सही है तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यू ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा y वन जा y वाई जब वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये आ गई वाई यू की वैल्यू पुट कर दीजिए यू की वैल्यू कितनी है एक्स टू दी पावर वाई तो यू की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू की वैल्यू x की पावर यहां y यहाँ y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये u की वैल्यू आ गई ये सॉल्व कर दीजिए डी यू बाई डी एक्स को तो x अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा देखिए x की पावर y माइनस वन क्यों बनेगा क्योंकि x की पावर y का मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे बैठा है एक x x मतलब x की पावर वन तो बेस सेम होने पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो x की पावर y माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स बेटा ये पहली चीज आ गई डी यू बाई डी एक्स ये पहली चीज आ गई डी यू बाई डी एक्स अब आपको क्या निकालना है बेटा डी वी बाई डी एक्स चाहिए अब आपको तो वी क्या है वाई की पावर एक्स है तो उससे हमारे पास बनेगा डी वी बाई डी एक्स तो वी हैव्ही इक्वल टू वाई टू दी पावर एक्स तो हम लॉग ले लेते हैं लॉग वी इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई टू दावर एक्स तो लॉग वी इक्वल्स टू एक्स लॉग वाई ठीक है एक्स लॉग वाई लॉग वीवल एक्स लॉग वाई क्या कर दिया हमने लॉग ले लिया अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं with respect to X. तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने पे डी बाई डी एक्स लॉग वी इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई तो देखिए ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाई डी वी लॉग वी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इन टू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स चलिए तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन यहाँ पे मैं कुछ भूल गया डी बाई डी वी लॉग वी और साथ ही साथ यहाँ आएगा डी वी बाई डी एक्स ये भी तो आएगा तो ये कितना बन जाएगा बेटा हमारे पास ये बन जाएगा वन अपॉन वी लॉग वी का डिफरेंशिएशन हो गया वन अपॉन वी और साथ में बन गया डी वी बाई डीएक्स इक्वल्स टू एक्स और लॉग वाई का डिफरेंशिएशन तो कैसे करेंगे बेटा इसका बन जाएगा y dy dx प्लस log y और यानी का हो गया ठीक है इतना संचारी क्लियर है यहाँ तक यस yes, yes, चलिए अब अपॉन वी इन टू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई ये आया है हमारे पास वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स तो डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो बेटा वी ऊपर चला जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई तो वी की वैल्यू पुट कर दें देखिए वी की वैल्यू क्या है वाई की पावर एक्स तो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई टू दावर एक्स यहाँ पे एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई ये हो गया ठीक है अब वाई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम वाई की पावर एक्स ऊपर है और नीचे एक वाई है तो बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एक्स तो बैठा रहेगा और ये बन जाएगा y की पावर x माइनस वन d y by d x प्लस y की पावर x लॉग y हमारे पास क्या आ चुका है हमारे पास आ चुका है d v by d x तो हमारे पास दोनों फंक्शन आ चुके हैं d u by d x भी आ चुका है और d v by d x भी आ चुका है और ये हमारा फाइनल आंसर है d u by d x प्लस d v by d x इक्वल टू जीरो तो इसमें हमको अपनी वैल्यू पुट करनी है किस में पुट करनी है इक्वेशन वन में तो इक्वेशन वन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या निकालना एज ए आंसर हमें डी बाई डी एक्स तो चलिए हम लिखते हैं बाई इक्वेशन वन बाई इक्वेशन नंबर वन क्या है इक्वेशन नंबर वन हमारा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो हमारा इक्वेशन नंबर वन है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो हम हाँ तो हम इस पर वैल्यू पुट करते हैं डी यू बाई डी एक्स की डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए आपने कहाँ पे निकाली है ये यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स निकला है ये निकला है डी यू बाई डी एक्स ओके तो मैं इसको क्रॉप करके वहीं पर ले चलता हूँ और उसको पुट कर देता हूँ बिल्कुल वैसे का वैसे जिससे हमको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े तो ये ले गया मैं और यहाँ मैंने यहीं पर ये वैल्यू मैंने पुट कर दी ये देखिए आप ये मैंने वैल्यू ये पुट कर दी ये किसकी वैल्यू बेटा डी यू बाई डी एक्स की प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली है मैंने यहाँ पे ये देखिए ये डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने मेहनत करके निकाली इसकी वैल्यू भी ले जाता हूँ मैं और वहाँ पे पुट कर देता हूँ सो ये वैल्यू है मेरी डी वी बाई डी एक्स की तो इतनी वैल्यू मुझे पुट uh, करनी पड़ेगी इतनी वैल्यू डी वी बाई डी एक्स की तो ये मैं गया एंड डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स ये लीजिए ठीक है क्लियर है बेटा आपको दोनों वैल्यू रख दी मैंने दिक्कत तो नहीं ना नो सर दोनों अब हम क्या करते हैं देखो आप देखो डीवाई डी एक्स इसके पास में है ये दो टर्म के पास में है ये दो टर्म तो इनको पहले आगे ले लीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वा बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन डी वा बाई डी एक्स इक्वल्स टू अब देखिए ये दोनों टर्म इधर चले जाएंगे राइट साइड में तो माइनस ये प्रोड्यूस करेगा और ये भी माइनस प्रोड्यूस करेगा तो मैं क्या लिखूंगा माइनस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई संचारी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नो अब यहाँ से डी वी डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो डी वाई डी एक्स आप कॉमन लेंगे तो ये एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वन ये कॉमन ले करके आपने पैक कर दिया तो यहाँ से माइनस से आप यदि कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई ये हो गया अपने पास में कितना टर्म अब इसके बाद में हम डी वाबे डी एक्स चाहिए हमें तो डी वाबे डी एक्स बस को रोक लीजिए बाकी को डिवीज़न में जान दीजिए तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला x की पावर y माइनस वन इंटू वाई प्लस वाई की पावर x लॉग y होल डिवाइडेड बाय x की पावर y लॉग x प्लस x की पावर x की पावर कुछ नहीं है जो भी है y की पावर है x इंटू वाई की पावर x माइनस वन ये हमारा आंसर आ चुका है ओके फाइनल आंसर चलिए मैच करते हैं इसको हमारे आंसर से मैच हो रहा कि नहीं हो रहा है हम्म तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसको भी मैं वहीं ले चलता हूँ और सामने बैठाल के मैच करा दूंगा दूँगा आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखिए ये हमारा आंसर है तो क्या आया है हमारा आंसर देखिए हमारा आंसर आया है निगेटिव तो ये निगेटिव बैठा है y की पावर x लॉग y y की पावर x लॉग y देखिए इसमें पहला टर्म आया है ये हमारा बैठा है y की पावर x लॉग y फिर क्या आया है y x की पावर y माइनस वन तो ये बैठा है हमारा y x की पावर y माइनस वन डिवीजन में x की पावर y लॉग x x की पावर y लॉग x एक्स वाई की पावर x माइनस वन एक्स वाई की पावर x माइनस वन बताइए बेटा बिल्कुल क्लियर है आंसर मैच हो रहा है Yes, yes, okay. तो इस तरीके से बेटा हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट हमको आराम आराम से इसको करना पड़ेगा ठीक है ये देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है इसको मैं yes, एक बार में दिखा भी नहीं पा रहा हूँ इतना जूम कम करने के बाद भी नहीं दिखा पा रहा हूँ इतना बड़ा क्वेश्चन है ये ठीक है ना तो क्या करना है मैं एक एक बार में आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपको एक्स फंक्शन लिखना है फंक्शन को यू और भी मानना है फिर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो ठीक है ना फिर इंडिविजुअली आपको डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको यू और वी को अलग अलग सॉल्व करके तो यू को सॉल्व करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा ये डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली फिर आपने v को सॉल्व करना है तो डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा ये आपने डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली ओके और फिर दोनों वैल्यू निकालने के बाद डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आपको जो आपका मेन इक्वेशन नंबर वन है उसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है ये जो आपका इक्वेशन नंबर वन है इस पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है डी यू बाई डी एक्स की और डी वी बाई डी एक्स की एनी प्रॉब्लम तो बेटा ये इस तरीके से पूरा ये सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ठीक है बेटा कोई कोई डाउट सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो चलिए बच्चों अगली हेडिंग लीजिए आप अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब ही होता है अभी तक आपने क्या देखा अभी तक आपने देखा कि ऐसे फंक्शन देखे आपने कि वाई इज द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ एक्स मतलब वाई डायरेक्टली एक्स पर डिपेंड कर रहा था अभी तक आपने जो फंक्शन देखा है उसमें वाई डायरेक्टली एक्स पे डिपेंड कर रहा था और आप कह रहे थे कि वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स बोलो बेटा कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे yes, अब ऐसे फंक्शन आने वाले हैं कि जिसमें y डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं करेगा जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे y है और ये देखिए ये एक बीच का पैरामीटर है टी तो वाई जो है वो भी टी के हिसाब से बदल रहा है और एक्स भी टी के हिसाब से बदल रहा है मतलब ये कह सकते हो कि वाई इज द फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टी क्लियर हुआ बेटा तो वाई अगर टी पे डिपेंड है और एक्स भी अगर टी पे डिपेंड है तो समाउ वाई भी तो एक्स पे डिपेंड होगा कि नहीं होगा बोलो यस वनो बट हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है यहां पे सम हाउ वाई एक्स पे डिपेंड तो करेगा बट हमें यहां पर हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर यहां पे y जो है एक्स एक्स पे डिपेंड कर रहा है बट दिखाया ऐसे जाएगा कि वाई इज द फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टी वाई और एक्स दोनों ही टी के फंक्शन हैं क्लियर मैंने ये कहा कि y इज द फंक्शन ऑफ t एंड x इज द फंक्शन ऑफ t मतलब y t पे डिपेंड कर रहा है और x भी t पे डिपेंड कर रहा है तो क्या y x पे डिपेंड करेगा बिल्कुल करेगा क्योंकि दोनों ही टी पे डिपेंड कर रहे हैं बट यहां पर इस क्वेश्चन में हमें वाई की रिलेशनशिप एक्स के साथ डायरेक्ट नहीं दी होगी क्लियर है? Yes, sir. तो क्या कहा मैंने वाई भी डिपेंड कर रहा है टी पर और एक्स भी टी पर डिपेंड कर रहा है बट हमें डायरेक्टली रिलेशनशिप नहीं दी होगी हमें क्या दिया होगा हमें यह दिया होगा कि वाई

और दोनों को डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यस सर चलिए अभी तो क्लियर है ना एकदम बेटा आपको बिल्कुल यस yes, सर चलिए आपको एक क्वेश्चन लेते हैं उससे आपको समझ में आएगा यहाँ पे देखिए एक आपके पास में क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको क्वेश्चन दिया है एक्स इक्वल टू टू एक्वायर एंड वाई इक्वल्स टू ए टी की पावर फोर एक्स इक्वल टू टू एक्स टू चलिए इस क्वेश्चन को हम ले चलते हैं अपनी स्क्रीन पे वहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है x इक्वल टू टू ए टी स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू ए पावर फोर आप ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा है और वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है और आपसे क्या पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स यही पूछा गया है ना यस yes, तो वाई क्या है बेटा तो मैं क्या करता हूं इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी ए टी की पावर फोर एक कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा बेटा डी बाई डी टी ऑफ E की पावर फोर बचेगा जिसको सॉल्व करने पर आएगा ए इंटू थ्री टी क्यूब आएगा सर, फोर टी क्यूबा यस सॉरी बेटा फोर आ क्यूब फोर यहाँ पे तो ये बन जाएगा ये हमारे पास कितना बेटा फोर ए e टी का क्यूब ठीक है फोर ए e का क्यूब दिस इज डी वाई बाई डी टी ना एक्स हमारे पास है टू ए टी स्क्वायर सो इफ एक्स इक्वल्स टू टू ए टी स्क्वायर मैं डिफरेंट कलर की पेन से यूज करता हूँ एक्स इक्वल टू टू ए टी स्क्वायर सो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टू ए टी स्क्वायर टू ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा डी बाई डी टी के साथ में टू सॉरी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा नौ टू ए और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी तो ये हो गया फोर ए टी यस अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए है डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी मतलब डी वाई बाई डी टी में डी एक्स बाई डी टी का हम डिवाइड करेंगे तो डी वाई बाई डी टी क्या है हमारे पास फोर ए टी क्यूब और डी एक्स बाई डी टी कितना है हमारे पास फोर ए टी तो फोर ए से फोर ए कैंसिल हो जाएगा और टी क्यूब अपॉन टी कितना बचेगा टी स्क्वायर सॉरी तो हमारे पास कितना बचेगा ई स्क्वायर तो चलिए इसका चेक करते हैं आंसर क्या है So, इसका आंसर टी स्क्वायर होना चाहिए एंड एग्जैक्टली आवर आंसर इज टी स्क्वायर बोलिए क्लियर है बन जाएगा बेटा यस सर तो इस तरीके से मतलब हमारे पास फंक्शन जो रहेगा एक्स और वाई का एक अनादर वेरिएबल की फॉर्म में रहेगा उसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है ओके okay? और डिफरेंशिएट करके हम उसको दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे क्लियर यस yes, चलिए अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं अगला टाइप है हमारा अगला फॉर्मेट डिस्कस करेंगे सो नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे होगा वी हैव अ फंक्शन वाई वन और दूसरा फंक्शन है वाई टू और हमें निकालना है वाई वन का डिफरेंशिएशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई टू यानी डी वाई वन बाई डी वाई टू समझ रहे हो बेटा Yes, तो हम कैसे करेंगे हम पहले फंक्शन को भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और दूसरे फंक्शन को भी हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा चलिए आइए एक एग्जांपल देखते हैं आपको उससे क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन लिखते हैं एज एन एग्जाम्पल क्वेश्चन आया डिफ्रेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है यानी डी ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स ये आ गया बेटा क्लियर है yes, हमको ये चाहिए है हमको इस क्वेश्चन में ये चाहिए कि क्या होगा तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए इसका हम सोल्यूशन बनाते हैं वॉट यू हैव टू डू फर्स्ट यू हैव टू कंसिडर फर्स्ट फंक्शन y1 वन एज साइन एक्स सेकेंड फंक्शन वाई टू एज कॉस एक्स तो आपको चाहिए क्या है आपको चाहिए है डी वाई वन विद रिस्पेक्ट टू वाई टू तो आपको डी वाई वन बाई डी वाई टू चाहिए जैसे आपको पहले डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होता था विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई टू चाहिए तो डी वाई टू आएगा ओके बेटा

मतलब y1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y2 dy1 डी वाई वन बाई डी वाई टू ये क्या बनेगा ये बनेगा डी वाई वन बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई टू बाई डी एक्स सो डी वाई वन बाई क्या है बेटा अपने पास में देखिए cos एक्स और डी वाई टू बाई डी एक्स हमारे पास में क्या है माइनस साइन एक्स दोनों को डिवाइड कर दीजिए इक्वल्स में कॉस अपॉन साइन कितना आ जाएगा कॉट और एक माइनस साइन है तो आंसर बनेगा माइनस कॉट एक्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए यस सर तो इस तरीके से हम एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्लियर बेटा यस सर तो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे अब जैसे देखिए यहाँ पे ये तो थीटा पैरामीट्रिक पैरामेट्रिक फॉर्म में ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म में है ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म में है सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं अब आप इनको सॉल्व करेंगे ठीक है बेटा यस सर चलिए